फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। क्रोशेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का एक नया डिज़ाइन। ये देखिए, मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार करके उसके आगे देखिए एक दो तीन तीन राउंड येलो कलर के बनाए हैं और एक राउंड ग्रीन कलर का बनाया है। तो घेरे में टोटल 4 राउंड बना लिए हमने, 1 2 3 4। तो ग्रीन कलर को यहीं पर अभी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा। ये तो प्लेन बनाए हैं हमने, स्ट्रेट प्लेन घेरा तैयार किया है, 4 राउंड बनाए हैं। अब देखिए, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बार कर लेंगे हम। उसके बाद 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन छोड़ के फोर्थ में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ये। फिर से 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 टाइम्स बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 हो गए। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन ले ली, 1 2 3, 3 स्किप करके फोर्थ में ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना है हमें ये ग्रीन कलर का सेकंड राउंड। देखिए, ये जो हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया हैं उनमें आप काउंट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप बीच में चाहे 6 रखें चाहे 7 रखें, ठीक है। चाहे यहाँ पे 6 रख लीजिए, चाहे 7, चाहे 8, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर जितने भी ये सिंगल, ये सॉरी हाफ डबल क्रोशिया हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर जो बीच में हमें 3 स्किप करने हैं, ठीक है, 3 ही छोड़ने हैं, 1 2 1 2 3, 3 हमें छोड़ने हैं बीच में, और चेन भी 3 के ऊपर 4 लेनी है। यहाँ 4 ली ना हमें, जैसे अब हम हर बार 4 4 चेन लेते जाएंगे। बस ये जो बनाने हैं ये आप इसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 6 7 8 जितने भी आपके टोटल बने हैं उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 7 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन लेंगे, बीच में 3 छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप इस राउंड को पूरा कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पर अब 4 चेन लेके जहाँ पर ये 1 चेन बनाई थी शुरू में, उसके अंदर ज्वाइन कर देंगे इसको। देखिए, जो हमने ये ग्रीन कलर का सेकंड राउंड बनाया, यहाँ पर हमने कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं किया, नहीं बढ़ाया, इसीलिए हमने 3 के ऊपर 4 चेन ली थी। यहाँ देखिए, नीचे 3 डबल क्रोशिया छोड़े ना, उसके ऊपर 4 चेन ली, ताकि ये खिंचाव ना आए इस राउंड में। और यहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं किया, तो जितने नीचे वाले राउंड में थे उन्हीं के ऊपर बनाए हैं, एक एक चेन हम एक्स्ट्रा लेते गए यहाँ पर।
ठीक है, देखिए इस तरह से ये लूप तैयार करने हैं हमें। ठीक है, अब कलर चेंज करते हैं। देखिए येलो कलर का धागा हमने कट नहीं किया था, तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी को ही यहाँ पर दोबारा शुरू कर लेते हैं। आप चाहे तो कट करके बनाइए, चाहे इसको इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए। देखिए 1 2 3, तीन चेन ली, और हम जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 घेरे के राउंड बनाए हैं, ऐसे ही अब और फिर से इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर ऊपर बस जो चेंज आया था, जो चेंज किया हमने, वो सिर्फ ये एक राउंड बताने बताया आपको, जो ये बाकी फिर से हम 2 राउंड येलो कलर के और बना लेते हैं, इसी को घेरे के, और फिर एक ग्रीन कलर का। तो टोटल्स 2 येलो और 1 ग्रीन बना के आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम ये येलो कलर बना रहे हैं, इसको पूरा करेंगे। बस जो ये जो चेन है, इनके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चेंज करना है। देखिए ये जो चेन्स हैं, इनके ऊपर भी हम इसी तरह से सिंगल ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन के ऊपर 5 बार बना देंगे। तो जहाँ जहाँ भी हमने चेन का गैप छोड़ा है, उसके अंदर 5 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच बना लिए। तो इस तरह से सभी गैप्स के ये जो चेन हैं, इनमें 5 5 हम डबल क्रोशिया बना देंगे, और सब इनके ऊपर बनाएंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम बीच में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे, जहाँ आपको ज़रूरत लग रही है एक ही प्लेस पर 2 बार बना के। देखिए इस तरह से राउंड को पूरा कर लेंगे। तो 2 येलो कलर के और 1 ग्रीन कलर का, 3 राउंड पूरे करके हम आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 राउंड पूरे कर लिए हैं। इसके बाद 2 येलो के और 1 ग्रीन का। देखिए ये मेरी बारीक वूल है ना, जिससे मैं बना रही हूँ, ये बारीक ऊन है, तो इसलिए घेरा ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा। आप जैसे दूसरी ऊन से बनाएंगे ना, तो ये घेरा और भी बड़ा लगेगा। तो अभी देखिए ये जो ग्रीन कलर का राउंड बनाया है मैंने, इसको मैंने काउंट किए हैं सारे डबल क्रोशिया, ये 123 123 हो रहे हैं टोटल। तो मैं 120 पे वर्क करूँगी, जो 3 एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, 123 हैं, तो 3 जो एक्स्ट्रा हैं उनको मैं, जैसे कि अभी मैं फिर से यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे 7 सिंग हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे ना, 7 और 3 ये हो गए, 1 2 3, तो टोटल 10 यूज़ हो रहे थे एक बारी में। 7 ये और 3 ये जो छोड़े थे, 10 को यूज़ कर रहे थे हम। तो उस हिसाब से हर एक ये यहाँ से 7 प्लस 3 10 हो गए, तो ये 10 10 10, टोटल 10 10 पे डिज़ाइन तैयार हो रहा था। तो अभी ये मेरे पास 123 है, तो मैं फिर से 7 बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया और 3 छोड़ूंगी बीच में। तो आप जो मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर मैं कहीं कहीं 3 जगह पर बीच बीच में कहीं पर 7 की बजाय 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी, 7 की बजाय 8 बना लूँगी, तो वो मेरे 3 एक्स्ट्रा हैं जो बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर से शुरू करते हैं राउंड, 3 चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया, 4 5 6 7
तो मैं अभी यहाँ पर सात बना रही हूँ, उसके बाद 1 2 3 4, 4 चेन ली, 1 2 3, 3 हमने बीच में छोड़ने हैं, 1 2 3 स्किप किए, फोर्थ में ये देखिए सिंग हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ पर 8 बना लूँगी क्योंकि मुझे 3 एडजस्ट करने हैं, एक मैं यहाँ कर लूँगी, एक इधर कर लूँगी, एक इधर करूँगी। तो आप भी ऐसे करिएगा, अगर एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो उनको बीच में एडजस्ट करिए, इनमें कोई चेंज मत कीजिएगा, इनको 3 और यहाँ पर 4 रहने दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर अभी डिज़ाइन बनाना है इन होल्स के अंदर, ठीक है। तो अभी इस राउंड को इसी तरह से पूरा करेंगे, फिर उसके बाद एक राउंड और बनाएंगे प्लेन, जैसा कि इसके ऊपर बनाया ना ये येलो कलर का, तो हम इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का राउंड और बनाएंगे। तो ये राउंड और उससे अगला राउंड प्लेन जो बनाना है वो दो राउंड पूरे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट कर लिया, ये सिंग ये जो बनाया शॉर्ट में हमने, ये हाफ डबल क्रोशे का और ये ऊपर एक डबल क्रोशे का राउंड पूरा कर लिया। देखिए जैसे मेरे पास 123 डबल क्रोशिया थे, मैंने 3 डबल क्रोशिया कहीं कहीं पर एडजस्ट किए, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास 2 या 3 कम पड़ जाते हैं तो आप उनको घटाकर भी बना सकते हो, जैसे मैंने कहीं कहीं पर 7 के बजाय 8 बना के 3 एडजस्ट किए, आप उनको 7 के बजाय 6 बना लीजिए, तो कहीं कहीं पर अगर कम पड़ जाते हैं, तो अभी हम इसकी ये देखिए 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, एक छोड़कर नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, तो ये डबल क्रोशिया बनाया, एक छोड़कर नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसकी किनारी बना लेंगे, बहुत ही इजी है, जल्दी से बन जाएगी, टाइम भी नहीं लगेगा आपका, बहुत ही आसानी से बना बन जाएगी। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसके घेरे के चारों ओर एक बाउंड्री बना लेंगे। तो पूरा कर लेते हैं ये राउंड, फिर आपको आगे डिज़ाइन बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाउंड्री का राउंड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, इसको नॉट लगाकर धागा कट करेंगे। धागे को पीछे एडजस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन फ्लैट घेरा, बीच बीच में हमने ये थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, इसके अंदर अब हम और डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये ऐसे भी ब्यूटीफुल लग रहा है, इसकी ब्यूटी को और बढ़ा देंगे, इसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ड्रेसेस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, इनके ट्यूटोरियल भी बताए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर इनके वीडियोस भी देख लीजिए अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन भी बताया है, इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, ये देखिए, इनको आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इनके वीडियोस आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया छोड़े हमने, फर्स्ट वाले में हम धागा ज्वाइन करेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे इस होल के अंदर से। अब देखिए 1 चेन हो गई, 2 3, 3 चेन लेंगे और
इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार डबल क्रोशिया किया, फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, उसी चेन के अंदर इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। अगर आपकी वूल मोटी है ना, तो मैंने जैसे तीन डबल क्रोशिया लिए हैं, तो आप दो ले लेना। अगर तीन ठीक रहते हैं तो तीन बना लेना, नहीं तो दो बना लेना। अब देखिए, हमने ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का डबल क्रोशिया है, उसकी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे आ जाएंगे। आ गए, अब देखिए, एक दो तीन चार, अब चार चेन लेनी है। इसमें तीन ली थी, अब चार लेनी है। अब ट्रिपल क्रोशिया करना है। क्रोशिया हुक पे दो बार बल लेंगे उसी चेन के अंदर से निकालते हुए। अब देखिए, दो दो लूप करके हम क्रोशिया हुक से निकालेंगे, एक बार, दो बार, और ये तीन बार। तीन बार हमने दो दो लूप करके क्रोशिया हुक से निकाल दिए, ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब देखिए, फिर से दो बार बल लिया, एक बार, दो बार, और ये तीन बार। इस तरह से हो गया। फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, तीन बार हमने ये बनाया। अब एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे उसी जगह पे, उसी चेन के अंदर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए दो पत्तियां बन गई। अब थर्ड चेन है, जो थर्ड डबल क्रोशिया, उसकी चेन में शिफ्ट करेंगे ऐसे स्लिप स्टिच बनाते हुए, एक दो तीन, तीन चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, दो, तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, एक दो तीन चेन, और उसी जगह पे उसी चेन के अंदर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और फिर नॉट लगाकर धागा कट करेंगे। देखिए, इस धागे को इस होल के अंदर से, ये जो ये होल है, इसके अंदर से इसे पीछे ले जाएंगे। पीछे ले गए, अब जहाँ पे ज्वाइन किया था और जो अब कट किया है, इन दोनों को हम नॉट लगा देंगे, और इन्हें धागों को पीछे एडजस्ट करके एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। देखिए, ये हमने इस तरह से एक फ्लावर बनाया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये डिफरेंट कलर के वूल हैं, ये छोटे छोटे, ये सब यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अलग अलग कलर के, एक दो तीन, हर जगह चाहे तो सेम कलर के लगा लो। ठीक है, चाहे सेम कलर के लगा सकते हैं, चाहे डिफरेंट कलर के। ये वूल है ना मेरे पास, लेफ्ट ओवर वूल, जैसे कि डिज़ाइन बनाने के बाद छोटे बच जाते हैं, तो उनको लगाकर मैं अलग अलग कलर के यहाँ पर फ्लावर बनाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बनाना है, जैसे आपको ये फ्लावर बताया, सेम इसी तरह से यहाँ पर धागा ज्वाइन करके इसी तरह से यहाँ पर भी फ्लावर बनाएंगे, सबके अंदर बनाएंगे। बस ये बात ध्यान रखना कि ये वूल का टेक्सचर है ना, देखिए सबका सेम है, कोई भी मोटी नहीं है, सब एक जैसी बारीक वूल है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही बस टेक्सचर को ध्यान रखते हुए आप ऐसे बनाइए। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ, ये सब जगह पर अलग अलग कलर के, कलरफुल बनाकर ड्रेस को। यहाँ ये जो ये वाली रो में ये होल हैं इनमें, और ये जो सेकंड रो में जो हमने होल छोड़े हैं, इनमें भी सेम इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया हमने सभी होल्स के ऊपर। ये देखिए, जो होल्स बनाए थे सबके ऊपर फ्लावर बनाए हैं डिफरेंट कलर के, और मोती लगा दिए हैं, ये बीड्स लगाए हैं। तो आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मेरे को जब मुझे ये आइडिया माइंड में आया तो मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ ही शेयर किया है, मैंने इसको पहले दूसरी ड्रेस पे नहीं बताया बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम बनाया है। और मेरे माइंड में और भी नए नए इस डिज़ाइंस के आइडियाज़ हैं, वो मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके साथ नए नए डिज़ाइंस के वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।